आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को डिलीट या अनइंस्टॉल कैसे करें। जब भी हम कोई नया कंप्यूटर लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उनका यूज नहीं करते और वो सिस्टम में रहता है और सिस्टम के रहने की वजह से वो जगह भी लेता है और सिस्टम पर जो स्पीड या परफॉर्मेंस है उसमें भी असर डालता है। तो ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर को हम कैसे अनइंस्टॉल करें या डिलीट करें, तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू अनइंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इन विंडोज 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट। अभी हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर। अभी हम जानेंगे हमारे सामने जो अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसे हम विंडोज 10 में या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, स्पेशली हम यहाँ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग बात करेंगे, तो उसमें से उसे कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। अब सेटिंग में जाने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी और इसमें से सेटिंग पर क्लिक करना है। अब सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने विंडो सेटिंग ऑप्शन ओपन होगा। अब ये विंडो सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली एप्स पे क्लिक करना है। एप्स पे क्लिक करें। एप्स पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एप्स एंड फीचर्स बॉक्स ओपन होगा और कुछ ही समय में जो आपके सिस्टम पे एप्स है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसकी लिस्ट आपके सामने शो होगी। मेरे पीसी में, मेरे लैपटॉप में इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अब मैं इसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपके सामने अनइंस्टॉल कैसे करते हैं ये दिखाता हूं। अभी हम यहाँ से हम VLC मीडिया प्लेयर अनइंस्टॉल करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर अनइंस्टॉल करने के लिए VLC हमने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। अब इसे अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। दिस ऐप एंड इट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और कुछ ही समय में एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और जो भी इसका कुछ प्रेफरेंस है एंड कैच है वो भी डिलीट करें, यानी ये पूरा डिलीट हो जाएगा और इसे अनइंस्टॉल करें। हो गया। इस तरीके से आपका जो VLC मीडिया प्लेयर है वो पूरी तरीके से अनइंस्टॉल हो चुका है। अब आपके सिस्टम में उसने कुछ भी जगह ऑक्यूपाई नहीं की है। इस तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फिनिश भी क्लिक करते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ से लेके और दूसरा भी सॉफ्टवेयर डिलीट या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।